Good one. Now you can see the ball. Is there? Hello everybody. Welcome to our channel Gurukul. आसान भाषा में टेनिस सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग सीखेंगे स्लाइस सर्व। इसके पहले मैंने सर्व का बेसिक टेक्निक और फंडामेंटल ऑफ सर्व हम लोग का हो गया है। अब हम लोग देखेंगे कि स्लाइस सर्व कैसे होता है। स्लाइस सर्व इज ए साइड स्पिन सर्व, मतलब इसमें साइड स्पिन होता है। जब रैकेट नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो इसे हम टॉप स्पिन बोलते हैं, जब रैकेट ऊपर से नीचे की तरफ आता है इसे हम अंडर स्पिन बोलते हैं, और जब बॉल रैकेट पीछे से सामने की तरफ बैक टू फॉरवर्ड जाता है और बॉल ऐसे घूमता है इसको हम लोग साइड स्पिन बोलते हैं। ये साइड स्पिन सीखने के लिए हमें सबसे पहले इसके बारे में हमें समझना चाहिए, इसका रियलाइजेशन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इसके लिए हमें प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले बाउंस करके हमने ऐसे किया और बॉल राइट रैकेट राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो बॉल ऐसे जाएगा। We do this, can you see the ball is going moving? Ball is moving. यदि racket left to right जाएगा तो ball भी left जाएगा। Wow. आपने देखा कितना अच्छा से जा रहा है। अब इसी तरह से हमें साइड स्पिन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बॉल को साइड में रख कर, क्योंकि यहाँ से हम लोग साइड स्पिन करने में हम लोग को प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम लोग थोड़ा सा जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एक तो एक क्लॉक है 12 o'clock 1 o'clock 2 o'clock, तो हम टॉस को 2 o'clock में देकर और हम लोग इसको साइड स्पिन में हम लोग बॉल को यहाँ से ऐसे ब्रश करें। यू कैन सी बॉल इज गोइंग देयर। ओके, अब हम लोग ये जो टॉस है इसको थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेंगे और बॉल देखिए उस तरफ जा रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल गोइंग। तो इससे क्या होगा कि ये मेरा अंडरस्टैंडिंग होगा, मेरा रैकेट फ्लो करने के लिए ये वाला बॉल को हम लोग 3 o'clock मारकर हम लोग रोल करेंगे और बॉल का टॉस होगा कहाँ 1 o'clock और 2 o'clock। अब हम लोग उसको कैसे, जैसे टेनिस में फेडरर एक ही तरह का टॉस करता है, यदि हम टॉस को दाएं तरफ करेंगे तो ओपोनेंट को मालूम पड़ जाएगा कि मैं उसको स्लाइस अप करने वाला हूं। इसीलिए प्रोफेशनल प्लेयर लाइक फेडरर वो लोग सेम टॉस करते हैं, लेकिन टॉप स्पिन फ्लैट और स्लाइस सर्व के लिए सेम टॉस होता है लेकिन वो लोग अलग से मारते हैं, वो लोग प्रोफेशनल है। लेकिन वो सीखने के लिए सबसे पहले ये बेसिक टेक्निक जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि हमारा हेड जहाँ पर है 12 o'clock, यहाँ से 1 o'clock और 2 o'clock में मैं टॉस करूंगा और मारूंगा। जैसे मैं अभी यहाँ से 2 o'clock में टॉस किया और बॉल को वहां मारा। अब हम अपने सर को 12 से 11 o'clock ले जाएंगे, 11 o'clock ले जाएंगे यहाँ तक, और मेरा टॉस थोड़ा और आगे आ जाएगा। You can see, मेरा टॉस थोड़ा, अब मैं चेस्ट को और भी ऊपर ले जाऊंगा तो मेरा सर थोड़ा और पीछे की तरफ आएगा और मेरा कॉन्टैक्ट पॉइंट मेरे सर के मेरे चेस्ट के ऊपर होगा तो मैं और भी अच्छा से स्लाइस कर सकता हूं। Can you see now? Can you see now? My contact point is coming to 12. So here you can see. Good one. Now you can see the ball. तो आपने देखा कि मेरा बॉल हर है। अब हम लोग इसके ऊपर में जाएंगे, थोड़ा ऊपर से देखेंगे कि हमारा बॉल टर्न कितना अच्छा हो रहा है। That's the way, okay? तो आपने देखा कि किस तरह से स्लाइस सर्व होता है। ये एक छोटा सा वीडियो था, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और जितना हम इसको रियलाइज करेंगे कि साइड स्पिन को और रैकेट हेड स्पीड को, अब हम एक और टिप्स देना चाहते हैं। जैसे ही बहुत आदमी क्या होता है, रैकेट ऐसे पकड़ा, आप मेरे लिटिल फिंगर के नीचे से आप हमारे
ग्रिप को देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि मेरा रिस्ट एक्सेलरेशन बहुत ही मिनिमम हो गया, और जैसे ही मैं रिस्ट को थोड़ा और मैं ग्रिप को थोड़ा और डाउन कर दिया, वो ग्रिप का नीचे वाला पार्ट मेरा लिटिल फिंगर के अंदर चला गया। अब मेरा ये मूवमेंट कितना ज़्यादा हो गया, तो रिस्ट एक्सेलरेशन का ये ज़्यादा हो गया। यहाँ मैं जब था, एक बार और मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पर स्टॉप हो जा रहा था, लेकिन जैसे मैं नीचे पकड़ा ये यहाँ आ गया। तो इससे क्या होता है कि रिस्ट एक्सेलरेशन और स्लाइस सर्व में रिस्ट एक्सेलरेशन का बहुत बड़ा रोल है। अब मैं ऐसे पकड़ के एक सर्विस करता हूँ, मेरा रैकेट हेड स्पीड अपने आप बढ़ गया। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये स्लाइस सर्व के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसी तरह देखते रहिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। आई एम श्योर दैट विद इन फ्यू वीक्स यू आर गोइंग टू हिट अ वेरी नाइस स्लाइस सर्व। सो आसान भाषा में टेनिस सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह देखते रहिए। इसके बाद हम लोग टॉप स्पिन में आएंगे और कैसे हम लोग टॉप स्पिन सर्व कर सकते हैं और कितने आसानी से हम लोग सीख सकते हैं, आप लोग देखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।